Welcome, my dear students. My today topic of discussion is very interesting and it will help in your understanding. It will make your doubts clear. That is a spinal cord. So, let's start with the introductory part. So, अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो है दिस इज ट्यूबुलर. इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर लेते हैं. ट्यूबुलर ऑब्लिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडिंग. कहां से एक्सटेंड होगा? एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा. एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम From medulla oblongata. Next, दूसरे point पे अगर हम लोग बात करें तो अगर इसकी enclosure की बात करें तो it is enclosed within the vertebral column. इसको enclosed करा गया enclosed within vertebral column. और इसके पास डायमीटर है दैट ऑफ लिटिल फिंगर. और इसको तीन मेम्ब्रेन से सराउंड किया गया. उस मेम्ब्रेन को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था. ह्यूमन ब्रेन में उसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं. और जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, दो तरीके के मैटर्स थे. जस्ट इसका अपोजिट होगा ब्रेन का. स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है वो सेंटर पे होगा. इट विल फॉर्म सेंटर. एंड व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी. It is present at periphery. Center of spinal cord runs a narrow central canal containing cerebrospinal fluid. एक separate video मैंने student cerebrospinal fluid पे भी डाला हुआ था कि जो spinal cord का जो center part है वहां पे एक narrow central canal है और वहां पे cerebrospinal fluid मिलेगा. इसके functions भी हम लोग separately discuss कर चुके हैं. और जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से स्पाइनल नर्व्स अराइज होंगी. और जो उनका नंबर है स्पाइनल नर्व्स का वो नंबर होगा स्टूडेंट्स 31. दीज स्पाइनल नर्व्स आर 31 इन नंबर. 31 पेयर्स जरूर याद रखेंगे आप विच आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट. अगली बात अगर हम लोग करें चूंकि जो ग्रे मैटर है it is H shaped or butterfly shaped mass which consists of intermediate neurons and cell bodies. तो इतने ज़्यादा structure पे इसकी detail में नहीं जाना है. Just आपको location याद रखना है. This is grey matter, matter and this is white matter. And white matter it contains myelinated axons. The bundle of nerve fiber run lengthwise and it will link different part of the spinal cord. अगर हम लोग स्पाइनल नर्व्स की स्टूडेंट्स बात करें तो जो स्पाइनल नर्व्स है उसके जो नंबर मैंने आपको बताया 31 पेयर्स होते हैं. दीज आर इमर्जिंग फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड से इमर्ज होती हैं. लेटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. और ये लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा. दे आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे दो पार्ट आते हैं नर्व ट्रैक्ट की अगर बात करें. दीज जो नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं, जो नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स. नर्व फाइबर के एक बंडल है और ओरिजिनेट और टर्मिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे ही. तो आप ऐसा समझ सकते हैं. और यहाँ पे दो पार्ट्स हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट. नर्व ट्रैक्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं और इन दोनों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है. सिर्फ आपको स्पाइनल नर्व्स का नंबर याद रखना है, थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन. और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहाँ पर किसकी लोकेशन है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. डोंट गो इन टू मच डिटेल. So you will get my next video on peripheral nervous system and autonomic nervous system. Then we will make a video on reflex action and reflex arc. In the same way we will have a discussion on each and every topic.
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आई होप वी विल मीट सून।